हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू सी द टॉपिक कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। और यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक यूलर्स फॉर्मूली एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शनल। ठीक है, ये लेक्चर वन है यहाँ पे, और इसमें मैं कुछ डिफिकल्टी कम लूंगा कुछ क्वेश्चंस की, उसके बाद फिर हम डिफिकल्टी के लेवल बढ़ते जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गेट एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो लेट अस प्रोसीड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। What is the Euler's equation for maximizing or minimizing the functional? Functional को maximize और minimize करने के लिए फिर हम कौन सा Euler's equation use करते हैं? तो आपको functional में क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि functional का मतलब हम इस एक integration लेते हैं, suppose that is i, limit रहेंगे, suppose हमारे यहाँ पे it is x0 to x1, और functional रहेगा it is what x, y and y dash। तो ये हमारा फंक्शनल होगा कंप्लीट, इसको हम कहते हैं फंक्शनल, इस इंटीग्रल को। इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए फिर हम एक यूलर्स फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो वो यूलर्स फॉर्मूला होता है यहाँ पे, इट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, डेल एफ बाय डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ बाय डेल वाई डैश इक्वल्स टू जीरो। इसको हम यूज करने वाले हैं, वैसे सामने में एग्जाम्पल सॉल्व करके बताऊंगा आपको हाउ टू यूज दिस इक्वेशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, the necessary condition for the integral I equals to integration x1 to x2 f of x y y dash and dx, अभी मैंने इंटीग्रल लिख के बताया मैंने, will be stationary is। ठीक है, तो इसका necessary condition कि ये stationary कब रहेगा। अगर आपको first मतलब आपने अगर derivative पढ़ा होगा तो उसमें भी हम stationary value निकालते हैं, तो अगर मुझे stationary value निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ता है, जो dy by dx लेके मैं उसको equate करता हूँ किससे, जीरो से। ठीक है, सेम यहां पे भी हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल लेंगे और उसको इक्वेट करेंगे जीरो से, तो आपको क्या मिलेगा, स्टेशनरी पॉइंट। सो डेल्टा आई इक्वल्स टू जीरो विल बी द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इंटीग्रल टू बी स्टेशनरी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड फॉर्म ऑफ यूलर्स इक्वेशन। अब यूलर्स के अलग अलग फॉर्म है, मैंने पहला फॉर्म तो अभी बताया आपको, और थर्ड फॉर्म हमारा होता है ये, दिस वन, दैट इज डेल एफ बाय डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स डेल वाई डैश माइनस वाई डैश डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई डैश माइनस वाई डबल डैश डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई डैश स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। दिस इज द थर्ड फॉर्म जहां पे पूरे साइन क्या रहते हैं, इज व्हाट, नेगेटिव होते हैं। सो हियर द ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, यहां पे एक और फॉर्म जो होता है सेकंड फॉर्म, उसको भी मैं आपको बता देता हूं कि सेकंड फॉर्म कैसा रहता है। उसमें हम लिखते हैं इट इज व्हाट डी डी एक्स ऑफ इट इज एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाय डेल वाई डैश माइनस डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये हम कब यूज करते हैं, जब एफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तब हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। तो जनरली हमारा फर्स्ट फॉर्म ही हम मैक्सिमम जगह पे यूज करते हैं, डेल एफ बाय डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ इट इज डेल एफ बाय डेल वाई डैश इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अगर इससे सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम ये दो फॉर्म के ऊपर जाते हैं और बाद में हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं फंक्शनल का यूजिंग दिस टू इक्वेशंस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ प्लेन इज। सो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, कर्व या पैराबोला या सर्कल। तो कोई भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन ही रहने वाला है। कर्व भी लेंगे तो उसमें भी लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा, पैराबोला भी नहीं हो सकता, सर्कल भी नहीं हो सकता है। तो स्ट्रेट लाइन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद व्हाट इज द एक्सट्रीमल फॉर द फंक्शन। अब इसका एक्सट्रीमल निकालना है, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो इस इंटीग्रेशन को मैक्सिमाइज करेगी या मिनिमाइज करेगी, तो ऐसा आंसर निकालना है हमको। तो इसके लिए मैं यहां पे यूज करूंगा हमारा जो इक्वेशन है यूलर्स इक्वेशन, सो दैट इज डेल एफ बाय डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ इट इज डेल एफ बाय डेल वाई डैश इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब देखिए जो एफ क्या रहेगा आपका, ये जो इंटीग्रैंड है ये आपका एफ रहेगा, सो एफ विल बी इज व्हाट वाई डैश स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। तो मैं इसको एफ को डिफ्रेंशिएट करता हूं वाई से, तो ये तो वाई से इंडिपेंडेंट है, तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा यहां पे, और बाद में फिर हमको वाई डैश से डिफ्रेंशिएट करना है, तो वन बाय एक्स क्यूब हम कॉन्स्टेंट अज्यूम करेंगे बिकॉज हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं, और बाद में वाई डैश स्क्वायर का डेरिवेटिव इज व्हाट टू वाई डैश हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। ओके, हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं यहाँ पे, और टू को पहले यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। सो इसका अगर हमने इंटीग्रेशन किया तो ये हो जाएगा इट इज व्हाट वन बाय एक्स क्यूब एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग वाई डैश इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई डैश इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब। तो हमको अगर y का वैल्यू चाहिए तो इंटीग्रेट कर देंगे, y इक्वल्स टू a
एक्स टू द पावर 4 प्लस सपोज इट इज बी। तो यहां अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपको दिख रहा है यहां पे ए एक्स टू द पावर 4 बी, तो देखिए हमने नया कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं और देन दिस विल बी द आंसर देन ए एक्स टू द पावर 4 बाय 4 प्लस बी। सो दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटीमल फॉर आई ऑफ y x equals to 0 to 1 2x minus xy minus y dash dx is given by, अब इसको भी आप यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये आपका रहेगा f dash, ओके, एंड देन इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहां पे आंसर आएगा दिस फर्स्ट आंसर 2y double dash plus y equals to 0। तो यहां पे आपको एक्सटीमल तो नहीं मिलेगा, आपको इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे एक्चुअली एक्सटीमल पूछा हुआ, इट इज नॉट द एक्सटीमल, एक्सटीमल का मतलब होता है वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू ऑफ y नहीं निकाल रहे हैं हम यहां पे, तो आपको बस यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और उसमें से कौन सा इक्वेशन फिर आपको आता है वो आपको यहां पे चेक करना पड़ेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। उसके बाद देन इफ आई इक्वल्स टू 0 टू 1 1 प्लस y डबल डैश स्क्वायर, यहां पे dx गिवन y0 इक्वल्स टू 0 y1 इक्वल्स टू 1 y डैश ऑफ 0 इज 1 एंड y डैश ऑफ 1 इज 1, देन आपको यहां पे एक्सटीमल निकालना है, क्या होगा एक्सटीमल आपको बताना है, फिर कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ओके। तो यहां पे देखिए y डबल डैश दिया हुआ है तो यूलर्स का फॉर्मूला एक्सटेंड करना पड़ता है हमको। पहले तो हमारे पास यूलर का फॉर्मूला ये है, ये हमारे पास पता है डेल एफ बाय डेल वाई माइनस व्हाट इज इट डी डी एक्स ऑफ इट इज डेल एफ बाय डेल वाई डैश इक्वल्स टू इट इज जीरो। सो डेल एफ बाय डेल वाई अगर हम बोल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई की, हमने ये हमारा पहला वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे y डबल डैश है तो हम इसको एक्सटेंड कैसे करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक टर्म ऐड कर देते हैं, एक टर्म कौन सा ऐड होगा, यहां तक तो टर्म सेम रहेगी, बाद में हमको सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ता है और वो आएगा इट इज व्हाट डेल एफ बाय डेल y डबल डैश इक्वल्स टू इट इज जीरो। विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया तो जीरो, विथ रिस्पेक्ट टू y डैश अगर हम करते हैं इट इज ऑल्सो जीरो, बाद में सेकंड डेरिवेटिव आपको लेना है y डबल डैश के साथ तो इसका जीरो हो जाएगा। ओके, यहां क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा क्योंकि यहां पे जो है हमारे पास क्वेश्चन, तो इसमें ये y डबल डैश का स्क्वायर चाहिए, ये होल स्क्वायर नहीं है एक्चुअली, ठीक है, अदरवाइज द आंसर विल नॉट कम। तो यहां पे अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं y डबल डैश है तो ये जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा इज वॉट 2y डबल डैश इक्वल्स टू इट इज जीरो। तो ये तो जीरो क्वांटिटी हो गई, अब उसके बाद 2 को बाहर निकाल दिया वो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये y डबल डैश ऑलरेडी है और ये अगेन 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन, मतलब ये हो जाएगा d टू द पावर 4 y बाय डी एक्स टू द पावर 4 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और इसके अगर रूट्स हम देखते हैं इट इज वॉट एम टू द पावर 4 इक्वल्स टू जीरो, मतलब चार बार जीरो 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 आएगा, तो इसका सोल्यूशन हम लिख सकते हैं वेरी इजीली इट इज वॉट ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स टू द पावर 4, ओके, विद दिस ई टू द पावर इज जीरो एक्स, बट दिस इज वॉट 1 हो जाएगा, तो हमारा सोल्यूशन यही बचेगा। और बाद में आपको ये चार कंडीशन यहां पे अप्लाई करनी पड़ेगी, ये चारों कंडीशन अप्लाई करने के बाद आपको ए बी सी और डी के वैल्यू मिलने वाले हैं और वो वैल्यूज पुट अप करने के बाद फिर आपको आंसर आएगा एंड आंसर इज वेरी सिंप्लीफाइड दैट इज वाई इक्वल्स टू एक्स रहेगा, ठीक है। दिस बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अप्लीकेशन आप कीजिएगा ये जितने भी हमारे पास कंडीशन दिए हुए और आप उसको निकाल के देखिए दिस इज द वर एक्चुअली एक्सट्रीमल, उसके बाद आपको कंडीशन अप्लाई करना है, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फंक्शन जे इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स वाई एंड वाई डैश, ओके। सो एफ ऑफ एक्स वाई डैश आपको दिया हुआ है 1 प्लस वाई डैश एंड वाई डैश स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सट्रीमल फॉर द जे। तो यहां पे वाई डैश वाला ही है तो आपको पहला वाला ही इक्वेशन यूज करना पड़ेगा यहां पे और इसको अप्लाई कीजिए आप और सॉल्व कीजिए, योर आंसर विल बी द ऑप्शन सी दैट इज वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए साइन एच ए एक्स प्लस बी, ओके। बाकी ऑप्शन गलत है यहाँ पे तो इसको आप करके देखिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन करवाए हैं और कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हूं ताकि आप भी उसमें माहिर हो जाए अदरवाइज और आपको भी चीजें समझे, इसलिए आपको मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूं। सो एट लास्ट ऐसे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम इट प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट दी हुई है और कुछ वीडियोज दिए हुए हैं, अगर वो आपके रिलेवेंट है तो जरूर देखिए और लेफ्ट कॉर्नर पे आप क्लिक करके चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।